हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड में आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। क्या होते हैं लिविंग बींग्स? कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती है, लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, लिविंग बींग्स लोकोमोशन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, लिविंग बींग्स जो है वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड शो करते हैं। ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें लिविंग बींग्स में देखने को मिलते हैं। तो हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं? लिविंग बींग्स जो है वो क्या शो करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। लिविंग बींग्स जो है वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं स्टिमुलाई के लिए। इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट रहता है किनमें? लिविंग बींग्स में। तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये प्रॉपर्टीज जो है वो लिविंग बींग्स की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि क्या वास्तव में ये प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग बींग्स की? तो इन्हीं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ को। तो ग्रोथ हमको मालूम है कि ग्रोथ क्या होती है, आप सबको मालूम है ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ इसमें इंक्रीज होता है इन साइज, साइज इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, उसका मास इंक्रीज होगा और उसकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उसका नंबर इंक्रीज होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवाइड होती है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उस डॉटर ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो ग्रो करके क्या करता है, फिर से डिवीजन करने लगता है, तो वहां पर भी ग्रोथ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमने पढ़ा कि नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल डिवीजन होने से सेल का नंबर इंक्रीज होता है, मास जो होता है बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमें पढ़ा है कि ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ होती है, हमेशा ग्रोथ होती रहती है, लेकिन जो एनिमल्स रहते हैं उनमें ग्रोथ एक लिमिटेड एज तक होती है। तो हम ग्रोथ क्या पढ़ते हैं कि ग्रोथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मास में इंक्रीज हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है और सेल्स के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। पर अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, ठीक, तो नॉन लिविंग में अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि माउंटेन्स की भी ग्रोथ होती है। माउंटेन्स की ग्रोथ कैसे होती है? जो माउंटेन्स रहते हैं उनमें डिपोजिशन होता है और डिपोजिशन की वजह से उसका साइज भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। तो क्या ये ग्रोथ जो है सिर्फ लिविंग बींग का कैरेक्टर है? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रोथ लिविंग बींग में होती है, यहाँ पर ये जो ग्रोथ अगर लिविंग बींग में ग्रोथ होगी तो ये ग्रोथ कैसी होती है, लिविंग बींग में जो ग्रोथ होगी वो कैसी ग्रोथ होगी, वो इनसाइड द सेल होगी, यानी कि सेल के अंदर ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन लिविंग ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। पर अगर हम नॉन लिविंग की बात करें यहां पर, तो नॉन लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ग्रोथ हो रही है, यानी कि माउंटेन के ऊपर अगर सेडिमेंटेशन हुआ, कुछ डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन की वजह से उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ग्रोथ जो होगी वो कैसी होगी, आउटसाइड ग्रोथ होगी
और जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड द सेल ग्रोथ होती है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और सेल की ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड होती है, नंबर इंक्रीज होता है। तो ये ग्रोथ कैसी होती है, इनसाइड होती है, और ये ग्रोथ जो है वो आउटसाइड होती है। तो हम इस तरह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ग्रोथ लिविंग बींग का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ दोनों में ही हो रही है, लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। क्या होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सराउंडिंग के लिए रिस्पॉन्ड शो करता है। सपोज कीजिए अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप अगर बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते टाइम अगर आपके आसपास कोई मूव करता है या रनिंग कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपको पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसके लिए आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे लिविंग बींग की, ऐसे पर्सन की जो किस में है, कोमा में है। अगर कोई पर्सन कोमा में है तो उसको नहीं मालूम चलता कि उसके आसपास कौन आ रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स अगर उसके पास रहते हैं उसको नहीं पता चलता, डॉक्टर्स उसके पास रहते हैं तो उसको नहीं पता चलता। तो क्या जो पर्सन कोमा में है क्या वो लिविंग बींग नहीं है? क्या हम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने या नहीं माने? अगर हम बात करते हैं ऐसे पर्सन की जो कोमा में है, तो ये पर्सन जो कि कोमा में है ये फिजिकली तो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, पर ये पर्सन जो होगा वो ड्रग्स के लिए जो उसको दिए जा रहे हैं, ये जो इंजेक्शन है उसको दिए जा रहे हैं, उसके लिए उसकी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, रिस्पॉन्ड शो करती है। क्या है ये लिविंग बींग्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। कॉन्शियसनेस ऑन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग। यानी कि हम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई को, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस ऑन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई को क्या बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग की, ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में लिविंग बींग्स अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम है कि सिंगल इंडिविजुअल जो रहता है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों इंडिविजुअल रिक्वायर्ड रहते हैं, मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल। प्लांट्स में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा हुआ है, वहां पर हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नए प्लांट बनते हैं। इसी तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने देखा है कि कुछ जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जैसे कि जूस्पोस है, कॉनिडिया है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की यूनिट्स जो है वो नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या कर रहे हैं, ये न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। तो क्या यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। पर अगर हम बात करें म्यूल की,
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं म्यूल की, या हम बात करते हैं कुछ ऐसे पर्संस की, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, मींस जो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकता है, हो सकता है उनकी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो सकता है कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग मानेंगे? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि म्यूल जो है वो लिविंग है, लेकिन ये कैसा होता है, ये स्टराइल होता है। और ऐसे ही जो इनफर्टाइल पीपल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम, तो ये ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, पर हम इनको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ दूसरी प्रोसेसेस लिविंग बॉडी में जो होती हैं वो इनकी बॉडी में होती हैं। तो यहाँ पर हम जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग बीइंग की डिफाइन प्रॉपर्टीज नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म में आपको मालूम है कि टू टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जो कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर के बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर हम कैटाबॉलिक प्रोसेसेस की बात करें तो कैटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें कि बिगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो लिविंग बींग की बॉडी में होती हैं, पर ये प्रोसेसेस जो हैं इन प्रोसेसेस को बॉडी के बाहर, जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं लैब में परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ये कहाँ पर होती है, बॉडी के अंदर होती है, लिविंग बींग की बॉडी के अंदर होती है, पर इन एक्टिविटीज को, ये जो रिएक्शंस चलते हैं बॉडी के अंदर जो चल रहे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर लैब में इन एक्टिविटीज को करा सकते हैं, इन विट्रो कंडीशंस में जब हम इन एक्टिविटीज को करा सकते हैं, तो क्या ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिविंग बींग्स की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? क्या होता है कि जो रिएक्शंस लिविंग बींग के अंदर चल रहे हैं, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं वो बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बाहर जो रिएक्शंस परफॉर्म कराए जाते हैं उनको ना तो हम लिविंग मानते हैं और ना ही हम उसको नॉन लिविंग मानते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग। तो इस तरह से हम रिप्रोडक्शन जो होता है इसको और ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स नहीं मानते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और मेटाबॉलिज्म को हम क्या मानते हैं, लिविंग बींग की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, लिविंग बींग्स की। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनको हम इनविट्रो कंडीशंस में करा सकते हैं, लैब में करा सकते हैं, ये भले ही लिविंग थिंग्स नहीं है बट ये लिविंग बींग में होने वाले ही रिएक्शंस हैं, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम कैसी प्रॉपर्टी मानते हैं, मेटाबॉलिज्म को हम मानते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग बींग्स की। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि जो
लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स की बॉडी सेल्स से बनती है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये आपको मालूम है कि जो सेल है वो लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर जो सेल रहती है, आपको मालूम है कि सेल मिलकर के टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी आपने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। तो यहाँ पर ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं बॉडी के अंदर, और आपको मालूम है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है, और ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं, जबकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी बोल सकते हैं इट इज अ डिफाइनिंग property of living being। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कौन कौन सी defining properties हैं living being की। respond to stimuli, metabolism and cellular organization। और कौन कौन सी properties जो है वो defining property नहीं है living being से, growth and reproduction जो है वो defining property नहीं होती है, ये exclusive property नहीं है लिविंग बींग्स। तो इस तरह से आज हमने लिविंग बींग की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की, और कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है लिविंग बींग्स की। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।